नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। इस गेम में हम देखेंगे फैंटेसी टिप और बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर प्रीमियर लीग का ये गेम वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स और ब्रेंटफोर्ड के बीच में खेला जाएगा। 18 सितंबर को ये गेम खेला जाएगा, 5 बजे से ये स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर दोनों टीम्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रेंटफोर्ड लास्ट ईयर में चैंपियनशिप में खेलती थी, तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था, जिस कारण दोस्तों उन्होंने प्रमोशन लिया और अब करंटली प्रीमियर लीग में खेल रही है। बट दोस्तों उनका स्टार्ट कुछ तगड़ा रहा नहीं है। बट दोस्तों वुल्स की बात करें तो पहले से ही खेलती थी प्रीमियर लीग में, लास्ट ईयर में भी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था, इस ईयर में भी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में ठीक ठाक खेल रही है। तो देखते हैं दोस्तों की प्लेयर्स कौन से, एक्सपेक्टेड 11 क्या है और क्या है हमारी सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम। और अगर आप पहली बार है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा, लिंक हमने जिसके डिस्क्रिप्शन में दी है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जहां दोस्तों गेम स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले फाइनल टीम आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, पूरे 11 प्लेयर वाली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक के साथ, और ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात करते हैं, अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक फुटबॉल ग्रैंड लीग नहीं जीता तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हमने पूरा वीडियो बनाया है जिसमें हमने हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, छोटी छोटी चीजें जो हम चेंजेस करते हैं प्लेयर्स के या लाइनअप आने के बाद, वो सारी की सारी चीजें दोस्तों हमने एक पूरा वीडियो बनाया उसमें कवर करिए। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, समझ सकते हैं कि फुटबॉल में अपनी ग्रैंड लीग कैसे बनाए और आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी इस वीडियो से काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, आप तुरंत ज्वाइन करें ताकि दोस्तों आप ये वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। अब बढ़ते वीडियो में आगे। तो दोस्तों दोनों ही टीम्स प्रीमियर लीग में खेलती है, जहां ब्रेंटफोर्ड 10th पोजीशन पे और वुल्स 13th पोजीशन पे। दोनों ही टीम ने दोस्तों 4 गेम्स खेली है, जहां ब्रेंटफोर्ड ने 1 गेम जीती है, 2 गेम ड्रॉ करी है और 1 गेम हारी है। वुल्स ने दोस्तों 1 ही गेम जीती है और 3 गेम हारी है। अभी तक दोस्तों ब्रेंटफोर्ड ने 3 गोल स्कोर कर चुके, 2 असिस्ट दिए और वुल्स ने दोस्तों 2 गोल स्कोर कर 3 असिस्ट दिए। दोनों टीम्स के बीच में 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो जो भी ये गेम जीतते हाई प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि वो टॉप 10 में आ जाएंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 5 गेम में वुल्स ने 3 गेमें हारी है और 2 गेमें जीती है। लास्ट 5 गेम में दोस्तों उनके डिफेंस ने सिर्फ 3 ही गोल कंसीड करे और अटैक ने दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और 6 गोल स्कोर करा है। ब्रेंटफोर्ड की बात करें दोस्तों तो उनका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू वुल्स काफी ज्यादा सही रहा है, जब उन्होंने सिर्फ 1 ही गेम हारी है, 2 गेमें ड्रॉ करी है और 2 गेमें जीती है। लास्ट 5 गेम में दोस्तों 6 गोल उन्होंने भी स्कोर करे है, तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है और उनके डिफेंस ने दोस्तों सिर्फ 2 ही गोल कंसीड करे, सॉरी 3 ही गोल कंसीड करे और 2 गेम में क्लीन शीट भी रखी है। की स्टैट्स की बात करें दोस्तों तो वुल्स के जो लास्ट 3 होम गेम्स हुए प्रीमियर लीग में उसमें दोस्तों सभी के सभी गेम्स में वो हार गई है, पर दोस्तों ब्रेंटफोर्ड के लास्ट 6 अवे गेम्स उन्होंने हर एक कॉम्पिटिशन में खेले, सभी के सभी गेम्स में तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो लास्ट 6 गेम्स जो दोनों के बीच में हुए उसमें से वुल्स ने 3 गेम जीती है, ब्रेंटफोर्ड ने 2 गेम जीती है और 1 गेम ड्रॉ हो गई थी। तो यदि दोस्तों आपको ऐसे स्टैट्स और एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं, मजा आता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने जिसके डिस्क्रिप्शन में दी है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जहां दोस्तों गेम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको ऐसे कई सारे स्टैट्स और एनालिसिस हम प्रोवाइड कर देंगे जब हम टीम देंगे उसके साथ। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया, अच्छी लगी हमारी रिसर्च, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले वुल्स का फॉर्मेशन देखे तो 3-4-3 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेशन और ब्रेंटफोर्ड का 3-5-2 का। तो अभी हमने दोस्तों दोनों टीम के साइड से टॉप प्लेयर सेलेक्ट करे, जहाँ दोस्तों हम बैक कर रहे हैं कि दोनों ही टीम्स के ये जो 11-11 प्लेयर्स है फ्रॉम ईच टीम तगड़ा परफॉर्मेंस देंगे और ये गेम जीतने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको अभी तक और वीडियो चाहिए और आपको फाइनल एक्सपेक्टेड 11 चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ दोस्तों लाइनअप आने के बाद हम आपको टीम प्रोवाइड कर देंगे जो फाइनल एक्सपेक्टेड 11 होगी उसके साथ। की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, जिमेनेस, नेवेस और ट्राउरे, ये जो 3 प्लेयर्स है वुल्स के साइड से वो हमारे टॉप पिक है। जिमेनेस ने दोस्तों लास्ट ईयर में 4 गोल स्कोर करे थे, नेवेस ने भी 5 गोल स्कोर करे थे, 1 असिस्ट दिए थे। ये दोनों प्लेयर्स ने दोस्तों अभी तक अपना खाता नहीं खोला है, बट जल्दी दोस्तों वो अपना खाता खोल लेंगे। ट्राउरे भी दोस्तों तगड़े फॉर्म में है। ब्रेंटफोर्ड के साइड से टोनी और नॉर्गार्ड, ये जो 2 प्लेयर्स है हमारे टॉप पिक है। टोनी ने दोस्तों ऑलरेडी 1 गोल स्कोर कर चुके और नॉर्गार्ड उन्होंने भी 1 गोल स्कोर करा है। सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम की बात करें तो फॉरवर्ड में जिमेनेस और आई टोनी, ये जो 2 प्लेयर्स है हमारे टॉप पिक है। और दोस्तों अगर आप बैक करते हैं कि दोनों टीम इस गेम में स्कोर करेगी करेगी, तगड़ा परफॉर्मेंस देगी, आप कोई टीम को फेवर नहीं कर रहे, बैलेंस टीम चाहते, तो जिमेनेस और आई टोनी ये जो आपके प्लेयर्स है वो दोनों आपके अच्छे खासे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। मिडफील्ड में दोस्तों नवाज, तराउरे और नॉर्गार्ड, ये जो 3 प्लेयर्स है वो हमारे टॉप पिक है। और दोस्तों अगर आप
थोड़ा सा बैक करते हैं कि वो जिस गेम में तगड़ा परफॉर्मेंस देगी तो आप नवेस को अपना वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बना सकते हैं, और जो अटैकर हमने दिया है फ्रॉम वुल्व्स उनको अपना कैप्टनसी ऑप्शन बनाएगा। त्राउरे और नॉर्गार्ड दोस्तों ये भी आप एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में जब आप पार्टिसिपेट करें। मल्टीपल ऑप्शन है दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, जो जब आप मल्टीपल टीम बनाएंगे उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको हो जाएगा। डिफेंस देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए ताकि आप हमारे साइड से जो हम फाइनल टीम देंगे आपको वो आप मिस आउट ना करें। तो दोस्तों डिफेंस में हमने चार प्लेयर सिलेक्ट करे है, तीन वुल्व्स की साइड जो है समेडो, मार्शल और साइस, और हमने पिनोक जो ब्रेंटफोर्ड के डिफेंडर है बजट पिक है उनको सिलेक्ट करा है। गोलकीपर हमने दोस्तों राय को सिलेक्ट करा है ब्रेंटफोर्ड की साइड, क्योंकि दोस्तों वुल्व्स के जो इस गेम में चांसेस है कि ज्यादा अटैक लेंगे तो जो ब्रेंटफोर्ड के कीपर है उनको काफी ज्यादा सेव करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू वुल्व्स के कीपर। तो अगर जितने ज्यादा सेव उतने ज्यादा अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स आपको प्रोवाइड होंगे। तो अभी हमने दोस्तों 6:4 के रेशो में 10 प्लेयर की टीम दी है, 9 क्रेडिट अभी भी हमारे पास बाकी है। तो देखते हैं कौन से वो 11 प्लेयर के ऑप्शन जो आपको अपनी फाइनल टीम जब आप खुद की बनाएंगे तब कंसिडर करने चाहिए, गिवन दोस्तों कि कौन से प्लेयर्स कितना तगड़ा परफॉर्मेंस देंगे। तो दोस्तों एक्सपेक्ट 11 की बात कर सबसे पहले तो जाओ मोटिनो और फ्रांचेस रेनिस को, ये जो दो प्लेयर्स है वो वुल्व्स की साइड से, और ब्रेंटफोर्ड की साइड से दोस्तों कैनस और जेनसन, ये जो दो प्लेयर्स है वो। तो दोस्तों डिफेंडर है एक, अगर आप और एक डिफेंडर चाहते हैं और एक प्लेयर निकालना चाहते हैं फ्रॉम वोल्स अपने डिफेंस में और बैलेंस चाहते हैं दो दो, तो जानसन आपके अच्छे खासे पिक हो सकते हैं। पर दोस्तों मिडफील्ड में आप लोड करना चाहते हैं, अटैक में आप एक्स्ट्रा प्लेयर लेना चाहते हैं और एक, तो जाओ मोटिनो, फ्रांसिस्को ट्रिनो का और एस कैनस, ये तीन प्लेयर में से आप किसी एक प्लेयर को अपने ट्राई कर सकते हैं एज अ प्लेयर ऑप्शन। तो हमें बताएगा दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में आपने कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करा है एज अ फाइनल 11th प्लेयर ऑप्शन। और दोस्तों अगर आपको हमारी फाइनल टीम चाहिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक के साथ पूरे 11 प्लेयर वाली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन और एक्सपर्ट एनालिसिस, तो कुछ नहीं करना दोस्तों आपको, बस हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। चाहे गेम स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले आपको फाइनल टीम हम दे देंगे और साथ में दोस्तों उसके साथ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी हम प्रोवाइड करेंगे जो आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे उसका हेल्प हो जाएगी। तो तुरंत ज्वाइन करें दोस्तों, 13,000 की हमारी FSP की फैमिली है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको टीम भी दे देते हैं। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया, अच्छी लगी हमारी रिसर्च, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। और याद रखिए दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट एक फन एलिमेंट है, उसे की तरह ट्रीट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना, अच्छे से खेलना, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो अपनी कैपेबिलिटी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करिए। जल्द मिलते हैं किसी और क्रिकेट या फुटबॉल वीडियो के एनालिसिस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।